अच्छा नाउ गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा लेट हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, ठीक है तो स्टार्ट करते हैं क्लास। अभी साउंड आ रहे हैं निक्की बता देना, ठीक है। एम आई ऑडिबल नाउ? ऑडिबल नाउ? ठीक है चलो। तो आपके सामने एक पिक्चर यहाँ पर दी हुई है, आपको बताना है कि ये जो पिक्चर है ये किस तरीके की वेजिटेशन की है, इस वेजिटेशन को हम क्या कहते हैं और ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट की है, ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट की है, ठीक है। इस वेजिटेशन का नाम क्या है, ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट की है, ठीक है। तो चलिए आज हमको कुछ नए क्लाइमेटिक जोन देखने हैं, कुछ नए क्लाइमेटिक एरियाज देखने हैं, ठीक है। बताइए फिर सवाल का आंसर दीजिए, मेरे सवाल का आंसर दीजिए, ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट की है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। सनफ्लावर, ये सनफ्लावर कहां से दिख रहा है निक्की, कहां से सनफ्लावर दिख रहा है बेटा ये, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा आप लोग प्लीज, सेशन को जो लोग जुड़ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो आप लोगों को बताना है कि ये वेजिटेशन किस क्लाइमेट का है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और इस वेजिटेशन का प्रॉपर नेम बताना है आपको, ठीक है। इस वेजिटेशन का प्रॉपर नेम बताना है तभी मैं समझूंगा कि आप लोग क्लास ठीक से पढ़ रहे हो, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हमने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ा था, स्टेपी क्लाइमेट पढ़ा था, ठीक है, तो उसी टाइम में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। हाँ, मेडिटेरेनियन रीजन का वेजिटेशन है, क्लाइमेट ठीक पहचान लिया आपने, ठीक है। अब इस वेजिटेशन का क्या नाम है ये बता दीजिए तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। तो क्लाइमेट के बारे में हम देख रहे थे और समझ लेते हैं कि क्लाइमेट को मैंने आपको कैसे बताया है, कैसे डिवाइड करके देखना है। तो क्लाइमेट को देखना है कि इक्वेटर, जस्ट मिनट, मैंने बताया था इक्वेटर, सॉरी इधर बना देता हूँ चार्ट। तो हमने देखा था कि इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री लैटिट्यूड तक यहाँ पर इक्विटोरियल क्लाइमेट है, फिर उसके बाद 3 अलग अलग क्लाइमेट हैं 30 डिग्री तक। किसका आंसर आया है सुमित? हाँ जी, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है बेटा, पर वेजिटेशन बताइए, मैंने नाम आपको बताया था ये किस टाइप का वेजिटेशन है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में इस वेजिटेशन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में इस वेजिटेशन को क्या कहते हैं। तो 10 से 30 डिग्री के बीच में 3 क्लाइमेट थे, डेजर्टिक क्लाइमेट, ठीक है, और कौन सा, सवाना क्लाइमेट या सूडान टाइप क्लाइमेट और मॉनसून क्लाइमेट, ठीक है। फिर 3 अलग अलग क्लाइमेट और हैं 30 से 45 डिग्री पर, तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देख लिया था, ठीक है। फिर सेंटर में था स्टेपी क्लाइमेट, ठीक है, स्टेपी क्लाइमेट, कई बार ये 45 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है, और ईस्टर्न साइड में था चाइना टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ठीक है। ये दोनों ही क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट और चाइना टाइप क्लाइमेट, ये वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन और ईस्टर्न मार्जिन कहे जाते हैं, इनका मैंने आपको फुल नेम भी बताया था, ठीक है। तो देखिए भाई, मैंने आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ाया था और इस वेजिटेशन के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे। तो मैंने ये आपको स्लाइड बताई थी कि चैपरल वेजिटेशन होती है, चैपरल वेजिटेशन होती है, यहाँ पर मैक्विस होती है, ठीक है, मैक्विस होती है, या इसको माचिया भी बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको मले वेजिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इसको MALLE, ठीक है, इसको मले वेजिटेशन भी बोलते हैं। तो जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था, फोटो दिखाई थी, ये इटालियन रीजन की मैक्विस वेजिटेशन का है, जिसे मैक्विस या मैकरल वेजिटेशन भी कहते हैं। ये जो फोटो आपने देखी थी ये मैक्विस या मैकरल वेजिटेशन का था। इसी तरीके की वेजिटेशन को कैलिफोर्निया रीजन में, जो नॉर्थ यूएसए का कैलिफोर्निया रीजन है, वहाँ पर इसको चैपरल कहते हैं, वहाँ पर इसको चैपरल वेजिटेशन कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ ये टर्म जो है ज़रूर याद रखिएगा, ये टर्म UPPCS वगैरह में पूछे जाते रहते हैं, वनडे वगैरह में पूछे जाएंगे, UPSC में भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इन्हें प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो हमने देखा
वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट था। अब हमें देखना है वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ठीक है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, तो इसको हम चाइना टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। कितने डिग्री के बीच में, कितने डिग्री के बीच में, लगभग ये 45 डिग्री के नीचे आता है, ठीक है। अब इस क्लाइमेट की खास बात यह है कि जैसे अभी हमने देखा कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक है फैला हुआ, ठीक है, 30 से लेकर के 45 डिग्री तक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। चाइना टाइप क्लाइमेट थोड़ा और नीचे तक खिसक जाता है और कई बार ये 45 डिग्री तक नहीं भी पहुंचता है। तो इसका जो रीजन देखें तो वो लगभग यही क्षेत्र है, पर ये एक्सपेंशन इसका थोड़ा कम है क्योंकि ये इधर बड़ा सा ओशन रीजन पड़ता है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसके वेरियस नेम क्या हैं चाइना टाइप क्लाइमेट के। इसका जो बड़ा नेम है, क्लियर नेम है, उसको कहते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, CFA क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। एक तो वार्म भी है, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण है, और ईस्टर्न मार्जिन मतलब कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न साइड में। तो इसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, नदन हेमिस्फेयर में इसको चाइना टाइप, गल्फ टाइप क्लाइमेट कहते हैं। नदन हेमिस्फेयर में इसको चाइना टाइप और गल्फ टाइप क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सदर्न हेमिस्फेयर में इसको नटाल टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। तो चाइना टाइप, नटाल टाइप क्लाइमेट, ये एक ही टाइप के क्लाइमेट के वेरियस नेम है, एक ही टाइप के क्लाइमेट के वेरियस नेम है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस सेशन में, ठीक है। क्लियर है बात, बात क्लियर हो गई। तो अगर हम देखें कि ठीक है इस क्लाइमेट के बारे में, ठीक है इस क्लाइमेट के बारे में हम देखें तो ये 20 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की तरफ वार्म टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वार्म टेम्परेट रीजन में ये क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर में चाइना टाइप, सदर्न हेमिस्फेयर में इसको नटाल टाइप क्लाइमेट कहते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में इसको गल्फ टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो ये इसके वेरियस नेम हो गए, हमेशा ईस्टर्न कोस्ट में ही पाया जाएगा। अब ये वो रीजन है जो कि ट्रेड विंड और वेस्टर्ली विंड दोनों से अफेक्टेड होता है। ये वो रीजन है जो कि ट्रेड विंड और वेस्टर्ली विंड दोनों से अफेक्टेड होता है। अब चाइना टाइप वाले क्लाइमेट को अगर हम देखें तो ये चाइना से लेकर के जापान का कुछ एरिया, जापान के जो सदर्न आइलैंड्स हैं वहां तक फैला हुआ है, ठीक है। कोई जानता है जापान के चार आइलैंड कौन से हैं? हिमांशु, गुड आफ्टरनून हिमांशु, जापान के चार आइलैंड के नाम बताइए मुझे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जापान के चार आइलैंड के नाम बताइए, ठीक है। तो गल्फ टाइप और नटाल टाइप क्लाइमेट की क्या खास बात है, क्या सिमिलैरिटीज है, और क्या थोड़े मोड़े इनमें डिफरेंस है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो चाइना टाइप जो क्लाइमेट है ये सदर्न पार्ट ऑफ जापान में भी पाया जाता है, ठीक है। जापानीज आइलैंड के बारे में अक्सर UPPCS वगैरह में क्वेश्चन आता रहता है। अब यहाँ पर समर्स के टाइम में इंटेंस हीटिंग होती है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ओशन पास में है, ह्यूमिडिटी हाई होती है। तिब्बत रीजन से हीटिंग होने के कारण चाइना में काफ़ी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो लो प्रेशर एरिया बनता है, समर जो है वो काफ़ी हीटेड रहता है, और तिब्बत डेजर्ट जो है वो चाइना को इससे काफ़ी हीट करके लो प्रेशर एरिया बनाता है, जिससे ये क्लाइमेट मॉनसूनी क्लाइमेट में ना होते हुए भी समर्स में ये मॉनसून को अट्रैक्ट करता है। तो इस, हाँ जी, ये नाम ऐसे है, होकाइडो, होन्सु, शिकोकू और कियोशु, ठीक है। हाँ, नॉर्थ से साउथ अगर जाएं या साउथ से नॉर्थ जाएं तो इस तरीके से सीरियल है, सबसे ऊपर होकाइडो, होन्सु, शिकोकू, फिर कियोशु, ठीक है। दीज आर द फोर आइलैंड्स, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो होकाइडो है वहां पर ये क्लाइमेट नहीं है, होन्सु, कियोशु और शिकोकू में ये क्लाइमेट का अफेक्ट होता है, ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे नदन वाला होकाइडो में, वहां पर नहीं होता है, बाकी रीजन में होता है। नाउ देखिए,
तो समर जो है यहाँ पर समर इंटेंस हीटिंग होती है इंटीरियर वाले रीजन में, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है जिससे जो साउथ ईस्ट मॉनसून है पैसिफिक रीजन से वो यहाँ पर जाता है। अभी मॉनसूनी क्लाइमेट में ना होते हुए भी यहाँ पर मॉनसून रेनफॉल होती है, ये एक बड़ा डिफरेंस है इसका, मॉनसूनल सिमिलैरिटी है मॉनसूनल क्लाइमेट से इसकी, ठीक है। मॉनसून का जो बस्ट होता है वो सडनली होता है, बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल होता है, और जिस समय इंडिया में मॉनसून आता है वो उससे थोड़ा सा लेट यहाँ पर रहता है। पर ये जो रीज़न है अंजलि, हाँ जी अंजलि बिल्कुल ठीक आपने सीरियल बताया, सुमित ने भी सीरियल बता दिया, होकाइडो होन्सु सिकोको, अच्छा क्योशु, पहले सिकोको है फिर क्योशु है, देख लेना एक बार मैप में। आप लोग हमेशा जियोग्राफी पढ़ें तो एटलस हमेशा साथ में रख के बैठें, ठीक है, एटलस जो है वो साथ में रख करके बैठें, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बस्टिंग होती है मॉनसून की, सडनली बस्टिंग होती है, इंडिया में जब आता है ठीक है उससे थोड़ा लेट आता है, इंडिया में जितना हेवी होता है उतना हेवी मॉनसून रेनफॉल यहाँ पर नहीं होता है। पर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर काफ़ी हेवी होती है, वो है यहाँ पर टाइफूंस का आना। टाइफूंस जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वेरी हाई स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, हमेशा लेट समर में जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पर डेवलप होते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख लीजिए कि इस जगह पर जो रेनफॉल है चाइना टाइप के क्लाइमेट में, वो रेनफॉल जो है वो साल भर होती रहती है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, ठीक है, बहुत कंटिन्यूस नहीं होती है पर रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पर मॉनसून से भी रेनफॉल होती है, ठीक है, यहाँ पर साइक्लोन से भी, टाइफून, ठीक है, साइक्लोन से भी रेनफॉल होती है, साथ में कोस्टल रीजन में होने की वजह से यहाँ पर सी ब्रीज से ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होती है। सी ब्रीज से समुद्र की तरफ से हवाएं यहाँ पर आती हैं और किनारों पर जो माउंटेनियस रीजन है वो इन हवाओं को रोक करके ओरोग्राफिक रेनफॉल भी करते हैं। तो अमूमन ये जो क्लाइमेट है ये अच्छी रेनफॉल रिसीव करता है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ देखोगे कि चाइना के पास कल्टीवेबल लैंड भारत से कम है, ठीक है, जिस पर वो खेती करता है वो कल्टीवेबल लैंड भारत से कम है यहाँ पर, ठीक है। ये मंचूरियन प्लेन का जो रीजन है यहाँ पर चाइना के पास काफ़ी कल्टीवेबल लैंड है, अदरवाइज चाइना के पास कल्टीवेबल लैंड हमसे कम है, उसके बावजूद चाइना हर चीज़ के प्रोडक्शन में हमसे आगे हो जाता है, और वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो बहुत बेहतर है, तो इरिगेशन के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्टिंक्टिव ड्राई सीजन नहीं गुजरता है, मतलब कोई स्पेसिफिक ड्राई सीजन यहाँ पर नहीं होता है। विंटर्स में देखें, ठीक है, विंटर्स में यहाँ पर देखें तो विंटर्स आर वेरी स्टेन इंटेंस, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रीजन साइबेरियन विंड से अफेक्ट होता है। तो अगर हम चाइना में देखें, ठीक है, दिस इज चाइना, तो ये ऊपर के साइबेरियन विंड से अफेक्टेड होगा, यहाँ पर गल्फ टाइप क्लाइमेट में अमेरिका में ये कैनेडियन रीजन के कोल्डर ब्लिजार्ड विंड से अफेक्टेड होगा, ठीक है, कोल्डर ब्लिजार्ड विंड से अफेक्टेड होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले जो चाइना टाइप और गल्फ टाइप क्लाइमेट है ये ज़्यादा ठंडे होते हैं इन कंपैरिजन टू सदर्न साइड के नटाल क्लाइमेट, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि इधर साइबेरिया है, इधर कैनेडियन शील्ड है जहाँ से काफ़ी कोल्डर विंड जो है वो यहाँ पर आती है, तो विंटर्स जो है वो काफ़ी इंटेंस हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखना है विंटर्स जो है वो इंटेंस हो जाते हैं, तो इंटेंस प्रेशर इन साइबेरियन रीजन, वो वहाँ से जो पोलर एयर स्ट्रीम्स हैं उनका फ्लो आउटवर्ड करता है, ठीक है, वो यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ वेस्ट मॉनसून आता है साइबेरियन विंड के साथ में, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून जो है वो कैसे आता है, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून कैसे आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पर साइबेरियन रीजन से वेस्टर्ली विंड के साथ में कोल्डर विंड आती है, जिनके साथ में नमी तो कम होती है पर जो भी यहाँ से रेनफॉल होती है वो स्नो के रूप में होती है, तो यहाँ पर विंटर में स्नोफॉल भी होती है, काफ़ी कोल्डर सिचुएशन बना रहता है, लिटिल रेन होती है पर कंसिडरेबली ये वहाँ के लिए ठीक ठाक स्नो होती है, जब स्नो पिघलती है तो मिट्टी में नमी आ जाती है और फिर से वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ की खास बात है, गल्फ टाइप क्लाइमेट या यूएसए वाला जो क्लाइमेट है गल्फ टाइप मैप में देखा, अगर हम उसकी बात करें
तो यहाँ पर मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चाइना से लेस इंटेंस होते हैं, चाइना में ज़्यादा मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, पर चाइना से लेस इंटेंस मॉनसूनल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अब गल्फ टाइप क्लाइमेट कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में है और उसका कुछ पार्ट मेक्सिको में है, मैप में आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मेक्सिको तक जो है वो फैला हुआ है, पर मेजर जो इसका एरिया है वो यूएसए में आता है, ठीक है, यूएसए में आता है, मेक्सिको इससे थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मॉनसून उतना इंटेंस नहीं होता है जितना चाइना टाइप वाले रीजन में होता है, ठीक है। नो कंप्लीट सीजनल विंड रिवर्सल, क्योंकि यहाँ पर कोई खास विंड रिवर्सल नहीं होती है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत इंटेंस मॉनसून नहीं आते हैं। अब एक चीज जो चाइना टाइप क्लाइमेट और इस गल्फ टाइप क्लाइमेट में कॉमन है वो है वहां पर टाइफून का बनना और यहाँ पर हरिकेन का बनना। बताइए कौन सा हरिकेन, मैंने आपको अभी पढ़ाया है कौन सा हरिकेन अटलांटिक ओशन में इस साल का पहला हरिकेन, उसको क्या नाम दिया गया है, आज की ही करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हरिकेन सितंबर से अक्टूबर के टाइम में बहुत सारे हरिकेन्स बनते हैं, तो यहाँ पर चक्रवातीय वर्षा या साइक्लोनिक रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सदर्न रीजन की बात करें, नटाल टाइप सदर्न हेमिस्फेयर में, तो नटाल टाइप क्लाइमेट ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में है, साउथ अफ्रीका के नटाल रीजन में है। हाँ बिल्कुल सही कहा मुस्तफ़ा, एना हरिकेन ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म की कैटेगरी में है, अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड हरिकेन नहीं है, ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में ही रीजन है, नटाल प्रोविंस। हाँ सुमित बिल्कुल ठीक कहा, एना हरिकेन, ठीक है। तो नटाल प्रोविंस जो है वो साउथ अफ्रीका में है, यहीं पर गांधी जी ने अपना जो प्रैक्टिस था वो स्टार्ट किया, यहीं पर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन ये सब इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो गांधी जी नटाल रीजन से जुड़े रहे, उनका आश्रम भी नटाल में ही था, तो नटाल रीजन जो है उसी के नाम पर इसको नटाल प्रोविंस कहते हैं। अब साउथ अफ्रीका में नटाल है, ये वाला जो रीजन है इसको नटाल प्रोविंस, ठीक है। अब इसी के नाम से यहाँ पर भी इसको नटाल प्रोविंस कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में भी और साउथ अमेरिका में भी इसको नटाल टाइप का क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है, नटाल टाइप का क्लाइमेट कहते हैं। अब इस नटाल टाइप के क्लाइमेट की खास बात क्या है, अच्छा साउथ अमेरिका में देख लीजिए तो पराग्वे उरुग्वे बेसिन रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। नटाल टाइप क्लाइमेट इज डिफरेंट फ्रॉम टेम्परेट मॉनसून और चाइना टाइप क्लाइमेट, क्योंकि इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम ऑन शोर ट्रेड विंड ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी मॉनसूनल इफेक्ट नहीं होता है, पर ट्रेड विंड से साल भर वर्षा होती रहती है, मतलब यहाँ पर भी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो मॉनसूनल रेनफॉल नहीं होती है यहाँ पर, जो सी ब्रीज या ट्रेड विंड आने की वजह से यहाँ पर साल भर वर्षा होती रहती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, चाइना टाइप क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट मॉनसूनल है, ठीक है, वहाँ पर वर्षा टेम्परेट मॉनसूनल है। गल्फ टाइप स्लाइटली मॉनसूनल है, बहुत कम मॉनसूनल इफेक्ट जो है गल्फ टाइप जो यूएसए में है वहाँ पर स्लाइटली मॉनसून इफेक्ट होता है। नटाल टाइप जो है नॉन मॉनसूनल है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन में कौन सा क्लाइमेट मैक्सिमम मॉनसून रेनफॉल रिसीव करता है, तो आप उसमें टिक करेंगे क्या, चाइना टाइप, ठीक है, चाइना टाइप, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज, सब लोग सेशन को लाइक शेयर करते जाइएगा, ठीक है, बहुत कम लाइव रहते हैं, इस बात से मैं बहुत आहत हो रहा हूँ। जियोग्राफी काफ़ी मेहनत से पढ़ाई जा रही है, नोट्स ये पूरे काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर किए गए हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर माइन्यूट पॉइंट भी मैंने ध्यान रखा है। यूपीएससी में इस बार जब एग्ज़ाम हो जाएगा और तब आप लोग देख लेंगे एक बार कि हाँ कैसे आता है क्वेश्चन, ठीक है, इस नोट्स का कितना वैल्यू है, तब शायद आप लोग बता पाएँ या दूसरे भी इस चीज़ को समझ पाएँ। चलिए, तो क्लाइमेट जो है ये वार्म है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन के पास में है, मॉइस्ट समर यहाँ पर होती है, कूल और ड्राई विंटर होती है, विंटर में थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है, पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन साल भर है, एक तरीके से करीब 9 मंथ जो है यहाँ पर एग्जैक्टली रेनफॉल का गुजरता है, ठीक है। मीन मंथली टेम्परेचर अगर यहाँ पर देखें तो 4 डिग्री
से 25 डिग्री के बीच में रहता है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मतलब समुद्री प्रभाव यहाँ पर रहता है। अब यूएसए का जो रीजन है वो पोलर वर्टेक्स को फेस करता है। पोलर वर्टेक्स में आप लोगों को क्लियरली पढ़ा चुका हूँ कि पोलर वर्टेक्स पोलर रीजन की ठंडी एयर का इस टेम्परेट रीजन या लोअर टेम्परेट रीजन में आ जाना पोलर वर्टेक्स कहलाता है, फ्रीजिंग कंडीशन। तो यहाँ पर जो गल्फ क्लाइमेट है, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको वाले रीजन का जो क्लाइमेट है, गल्फ रीजन में यूएसए में पोलर वर्टेक्स इसी रीजन में घटित होता है। यहाँ पर पोलर वर्टेक्स की सिचुएशन, जिन लोगों ने पोलर वर्टेक्स नहीं देखा है तो प्लीज पोलर वर्टेक्स पर एक अलग से क्लास है, आप उसको देख लीजिएगा। प्रेसिपिटेशन की बात करें तो 60 टू 150 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। 150 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है ये कोस्टल रीजन में होती है, ठीक है, कोस्टल रीजन में होती है, तटीय क्षेत्र में और इंटीरियर की साइड में, अंदर की तरफ, ठीक है, इंटीरियर की तरफ 60 सेंटीमीटर जितनी रेनफॉल यहाँ पर होती है, ठीक है। अब ये जो रीजन है ये दुनिया के वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से एक आता है, क्योंकि चाइना में अगर ज़्यादातर हम देखें तो यही एरिया काफ़ी प्रोडक्टिव है, कोस्टल वाला। चाइना के वेस्ट साइड का सेंट्रल चाइना जो है वो पूरी तरीके से डेजर्टिक है, कोल्ड डेजर्टिक सिचुएशन बनाता है, ठीक है। साइबेरियन इफेक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो बहुत ठंडी सिचुएशंस वहाँ पर बनती है। तो दिस रीजन इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। एग्रीकल्चर के लिए एडिक्वेट रेनफॉल होती है, तो अगर प्रॉपर प्लेन एरिया है तो अच्छी एग्रीकल्चर यहाँ पर होगी, जिसकी वजह से चाइना भारत से हर चीज के उत्पादन में आगे है, ठीक है। फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जैसे मैंने आपको बताया रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होती है और उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि इस क्लाइमेट के कुछ रीजन में ज्यादा डाउनपोर हो रहा हो और कुछ रीजन में बिल्कुल ड्राई हो रहा हो, ठीक है। रेनफॉल कम्स आइदर फ्रॉम कन्वेक्शनल सोर्सेस, ओशन की तरफ से कन्वेक्शनल रेनफॉल आती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल तटीय क्षेत्र में, या फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन बनने के बाद में यहाँ पर रेनफॉल आती है, ठीक है। अब ये रीजन जो है वो कई बार टेम्परेट साइक्लोन से भी प्रभावित हो जाता है, टेम्परेट साइक्लोन से भी प्रभावित हो जाता है। पर टेम्परेट साइक्लोन से कौन एरिया प्रभावित होगा? तट वाला एरिया नहीं होगा, जो अंदर का इंटीरियर वाला एरिया है वो टेम्परेट साइक्लोन से भी अफेक्ट हो जाएगा। एक बार मैप में देख लीजिए, तो ये जो रीजन है ये टेम्परेट साइक्लोन से, ये पीछे का रीजन टेम्परेट साइक्लोन से अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी रेनफॉल मिलती है, टेम्परेट साइक्लोन से भी फ्रंटल रेनफॉल यहाँ पर मिल जाती है, मॉनसून से भी रेनफॉल मिल जाती है, ठीक है, मॉनसून से भी यहाँ पर रेनफॉल मिल जाती है। तो रेनफॉल एक अच्छी यहाँ पर मॉडरेट और गुड रेनफॉल यहाँ पर होती है। समर रीजन में ये मॉइस्ट एयर मैरीटाइम से आती है, जिसकी वजह से हमेशा मॉइस्चर बना रहता है। इसका क्लाइमेटिक ग्राफ अगर आप देखें, टेम्परेचर वगैरह, जैसे ये टोक्यो का है वहाँ पर भी इसी तरीके का क्लाइमेट है, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरिएशन जो है ये यहाँ पर मिलता है, तो लगभग 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन हमें इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन 10 से 15 डिग्री का मिलेगा। नेचुरल वेजिटेशन देखें, अब वर्षा अच्छी हो रही है, ठीक है, वर्षा अच्छी हो रही है और यहाँ पर सनलाइट भी प्रॉपर है, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी प्रॉपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लग्जूरियंट वेजिटेशन होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि लग्जूरियंट वेजिटेशन क्या होता है, तो लग्जूरियंट वेजिटेशन काफ़ी डेंस वेजिटेशन, एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन, घना एकदम सघन हमेशा हरा भरा रहने वाला लग्जूरियंट वेजिटेशन होता है। जैसे अगर आपके आपके पर्स में पॉकेट में हरियाली है तो आप भी लग्जरी प्राप्त कर सकते हैं, विलासिता प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हरियाली है बड़ी, तो लग्जूरियंट वेजिटेशन है, ठीक है। बोथ एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी हैं और कुछ हार्डवुड डेसीडुअस फॉरेस्ट भी अंदर की तरफ हैं। तो कोस्टल रीजन में ज़्यादातर एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है। और इस क्लाइमेट में जो 35 से 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो रीजन होगा, 35 से 40 डिग्री लैटिट्यूड का जो रीजन होगा, वहाँ पर आपको सॉफ्ट वुड वाले भी पेड़ मिल जाएंगे, कोनिकल टाइप के भी मिल जाएंगे, क्योंकि साइबेरियन रीजन से कोल्डर इफेक्ट, स्नोफॉल इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे कोनिकल वाले फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। पर बहुत डेंस नहीं होते हैं, कम डेंस होते हैं,
पाइन वाले फॉरेस्ट जिनको मिलते हैं, साइप्रस बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप देखो तो वेजिटेशन बहुत मिक्स है, क्या एवरग्रीन भी है, डेसीडुअस भी है और पाइन वाली है जो टेम्परेट वेजिटेशन है वो भी यहाँ पर मिल रही है। तो पेरेनियल प्लांट ग्रोथ इज नॉट चेक्ड बाय आइदर ड्राई सीजन और कोल्ड सीजन, ठीक है, मतलब एक मिक्स टाइप का वेजिटेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। टिम्बर्स की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो लकड़ी के लिए ये क्लाइमेट जो है वो अच्छा माना जाता है। मिक्स टाइप की वेरियस वुड यहाँ पर मिलेगी, जैसे फॉरेस्ट ऑफ चाइना, सदर्न जापान में यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू वाले टिम्बर पैदा होते हैं, जैसे ओक है, कैम्फर है, ये सब यहाँ पैदा होते हैं। साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, पराग्वे जहाँ पर ये क्लाइमेट है, वहाँ पर इसको क्यूबार्को बोलते हैं, क्यूबार्को वेजिटेशन या क्यूबार्को वुड यहाँ पर मिलती है। इस वुड का भी बहुत इंडस्ट्रियल और बिल्डिंग वगैरह में बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इस वेजिटेशन में यूकेलिप्टस के फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको मैले फॉरेस्ट बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो मैले जो वेजिटेशन है वो मेडिटेरेनियन टाइप के क्लाइमेट में भी ऑस्ट्रेलिया में है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैले, तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में भी मैले फॉरेस्ट हैं, और चाइना टाइप क्लाइमेट या नटाल टाइप क्लाइमेट, ऑस्ट्रेलिया का जो नटाल टाइप क्लाइमेट है उसमें भी मैले फॉरेस्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो पाम ट्री ये सब यहाँ पर मिलेंगे। गल्फ मतलब यूएसए वाले में यहाँ पर लो लैंड डेसीडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, पर्णपाती वन यहाँ पर मिलेंगे। तो मिक्स्ड फॉरेस्ट कैटेगरी में ये वाला क्लाइमेट आता है। उत्पादन की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट, रेनफॉल कुछ इस तरीके की है कि आप बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं। सो यहाँ पर हाई क्रॉप डाइवर्सिटी है, क्या है, हाई क्रॉप क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर हाई क्रॉप डाइवर्सिटी है। तो जैसे साउथ ईस्टर्न चाइना में राइस, टी, मलबरी सिल्क होता है, मलबरी सिल्क, ये सेरिकल्चर जो है ना ये सब है, ठीक है। मॉनसून पैटर्न को चेंज होने की वजह से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पर सेरिकल्चर डिक्लाइन हो रहा है, ये हम फैक्टर लोकेशन फैक्टर में, फैक्टर लोकेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी इसको नहीं यहाँ पर डील कर रहे हैं। साउथ ईस्टर्न यूएसए में मेज, कॉटन, कॉर्न ये सब उगाया जा रहा है, टोबैको भी यहाँ पर इस क्लाइमेट में उगाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा टोबैको इस क्लाइमेट की खास बात है। शुगर केन भी यहाँ पर उगाया जाता है, कॉफ़ी, मेज, डेयरी प्रोडक्ट ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। फार्मिंग जो है वो मेनली मॉनसून पीरियड में की जाती है, फार्मिंग जो है वो मेनली यहाँ पर मॉनसून पीरियड में की जाती है, जो इंटेंस फार्मिंग है, बाकी समय में भी फार्मिंग चलती रहती है पर मोस्ट इंटेंस फार्मिंग जो है वो मॉनसून पीरियड में की जाती है, ठीक है। बहुत सारा पॉपुलेशन जो है वो इसी तरीके की फार्मिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चाइना की पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, लिटिल फॉर एक्सपोर्ट होता है उनके पास में, ठीक है। तो चाइना के क्लाइमेट की यहाँ खास बात है, और चाइना में मॉनसून पीरियड में सबसे ज़्यादा पैडी कल्टीवेशन होता है, राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना है कि आप आसानी से राइस उगा सकते हैं। राइस वार्म टेम्परेचर का और मॉइस्ट क्लाइमेट का क्रॉप है ना, तो यहाँ पर राइस आप बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। साल में ये लोग जो कोस्टल रीजन के हैं, साल में 3 बार राइस का उत्पादन करते हैं। हिल स्लोप रीजन में भी ये लोग राइस को ही ग्रो करते हैं। वीट का कल्टीवेशन बहुत कम है, लगभग एब्सेंट है, ठीक है। तो इस क्लाइमेट में आपको वीट कल्टीवेशन नहीं मिलेगा, जहां पर इसके जो बगल का क्लाइमेट था, मैंने 3 क्लाइमेट बताए थे इस रीजन में, है ना, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, तो वहीं पर स्टेपी क्लाइमेट में वीट बहुत ज्यादा है, और इसके पड़ोसी जो चाइना टाइप या नटाल टाइप क्लाइमेट है यहाँ पर वीट एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर वीट, इस क्लाइमेट में वीट लगभग एब्सेंट है, वीट यहाँ पर नहीं हो रहा है ड्यू टू द हेवी रेनफॉल, क्योंकि वीट को ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गया। एग्रीकल्चर में कॉटन, कॉर्न, टोबैको ये सब यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके अलावा चूंकि कॉर्न वगैरह बहुत यहाँ पर होता है, तो कॉर्न का जो पौधा होता है उसका जो तना, स्टेम होता है, उसे जानवरों को खिलाया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से इस क्लाइमेट में जानवरों को खिलाने के लिए जो फूडर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या है, फूडर जो है वो काफ़ी है, जानवरों का चारा काफ़ी है, इस वजह से यहाँ पर केटल रियरिंग का काम काफ़ी होता है, ठीक है। दिस रीज़न
अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न. ठीक है, तो इस जो अमेरिका का यूएसए का जो गल्फ टाइप क्लाइमेट है, ठीक है, वो दुनिया का 50% कॉर्न का प्रोड्यूस करता है. ये इंपॉर्टेंट चीज आप याद रख लीजिएगा. ठीक है, जितना भी कॉर्न, कौन जानते हैं मक्का जो पैदा होता है, तो 50% मक्का जो है वो यहीं पर पैदा होता है. बट बस ये 3% एक्सपोर्ट करते हैं. क्यों 3% एक्सपोर्ट करते हैं? क्योंकि ये इसका ज़्यादातर यूज़ जो है एनिमल्स को खिलाने में, केटल पिक्स को खिलाने में, उनकी फैटनिंग में करते हैं, उनको बढ़िया मोटा तगड़ा ताज़ा करते हैं, और फिर उसके बाद उनका जो बीफ होता है और पोक है वो एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, तो कॉर्न यहाँ पर बहुत पैदा होता है. कॉर्न एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है यहाँ की, उसको फूडर के तौर पर यूज़ किया जाता है, और फिर बीफ और पोर्क इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड है, जिसको हम कॉर्न्ड बीफ भी कहते हैं. यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलते हैं शिकागो में, सिंसिनाटी में, उन प्रोडक्ट पर लिखा रहता है कॉर्न बीफ, क्योंकि उन उन जो ये पाले जाते हैं पिग्स, इनको मोस्ट ऑफ द लाइफ इनका कॉर्न ही खिलाया जाता है. ठीक है, और इनको बहुत सारी जगहों पर एक्सपोर्ट किया जाता है. तो कॉर्न तो बहुत पैदा करते हैं, पर कॉर्न नहीं एक्सपोर्ट करते. उस कॉर्न को खिला करके ये बीफ और पोर्क वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोर्क एक्सपोर्टिंग क्लाइमेट का रीजन है ये. आगे बढ़े तो कॉटन यहां पर होती है. बेस्ट काइंड ऑफ कॉटन इज ग्रोन हियर, वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ कॉटन इज ग्रोन हियर. आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, जिस समय से अमेरिका का कॉटन एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाता है, अमेरिका का, यूएसए का, ठीक है, और यूएसए का जो गल्फ टाइप क्लाइमेट है वहां पर बहुत अच्छी कॉटन होती है. इवन यूएसए, चाइना में भी कॉटन होती है ठीक ठाक. ठीक है, तो जब यूएसए का, खासकर यूएसए का कॉटन जो है वो बहुत फेमस है इस क्लाइमेट का. जब यूएसए का कॉटन आ गया इंडिया में, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री में, तो भारत के कॉटन की डिमांड जो है वो खत्म हो गई, और यहाँ के जो कॉटन एक्सपोर्टर्स थे, कॉटन प्रोड्यूसर थे, उनकी माली, उनकी जो हालत थी वो बहुत खराब हुई. इसी वजह से थ्राइविंग बीफ, मीन्स थ्राइविंग बीफ का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए बीफ का उत्पादन यहां पर बहुत होता है. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि कॉटन का प्रोडक्शन जब अमेरिका में हुआ, कॉटन का इंपोर्ट जब ब्रिटिश अमेरिका से करने लगे, तो भारत के कॉटन को बहुत कम वैल्यू दी जाती है. अब आप देखोगे उस समय फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिवोल्ट्स भी होंगे कॉटन को लेकर के. ठीक है, पर जब अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ जाता है, जिस पीरियड में अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ता है 1861 से लेकर के 1870 के बीच का ये जो 10 साल का पीरियड है, उसमें भारत में अचानक से कॉटन का इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ जाता है. और फिर जब अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होता है, तो फिर से अगर आप देखें तो फिर भारत से कॉटन का एक्सपोर्ट बंद हो जाता है. पर लोगों ने कॉटन बड़ा बहुत ज़्यादा पैदा करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कॉटन की वैल्यू उनको बहुत ज़्यादा मिल रही थी. ठीक है, और वहां से आप अगर देखो तो उस पीरियड के बाद से फिर आपको बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिवोल्ट्स इंडिया में होते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनके उत्पादन का उनको वैल्यू ही नहीं मिल रहा था. बात समझ में आई आपको? तो इस तरीके से इंडियन रिवोल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके के जियोग्राफिकल फैक्टर पर भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं. तो हिस्ट्री को जब भी आप पढ़िएगा तो डू कनेक्ट देम विद जियोग्राफिकल एंगल्स. ठीक है, रिसोर्सेज को जरूर ढूंढिएगा. बात कुछ समझ में आ रही, कुछ इंसाइट मिल रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये जो क्लाइमेट है यहाँ पर कॉटन वगैरह बहुत अच्छा पैदा किया जाता है. इसके अलावा शुगर केन और सिट्रस फ्रूट भी यहाँ पर पैदा किया जाता है. क्यों कॉटन अच्छा पैदा किया जाता है? क्योंकि लगभग 200 दिन का ओपन स्काई होता है. कॉटन के लिए सन रेज बिल्कुल डायरेक्ट और क्लियर होनी चाहिए, तभी कॉटन बहुत अच्छा पैदा हो सकता है. ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट, शुगर केन, ये सब यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैदा किया जाता है. इस वजह से इस रीजन को गल्फ टाइप क्लाइमेट, यूएसए वाले वेस्टर्न रीजन को कॉटन बेल्ट भी कहते हैं. इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो है टोबैको. टोबैको अगर देखें तो इंडिजिनियसली जो है भारत में भी उत्पादित होती है, पर टोबैको जो है वो भारत की फसल है नहीं. टोबैको पोर्चुगीज यहाँ पर लेकर के आए थे साउथ अमेरिका से, वही इसको जो है साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में भी लेकर के गए. तो नेटिव क्रॉप जो है वो अमेरिका की है ये, खासकर साउथ अमेरिका की. तो वर्जीनिया टोबैको जो बहुत फेमस टोबैको है, जब बहुत सारी अमेरिकन टोबैको कंपनीज जो है वो भारत में आने लगी, ठीक है, तब उसके बाद भारत में हम टोबैको का कल्टीवेशन बहुत बड़े लेवल पर देखेंगे. ठीक है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक लहर
भारत में भी उस समय दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो टोबैको के लिए एक तरीके का ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, ताकि टोबैको के पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं ना, ब्रॉड लीव्स होते हैं, तो ब्रॉड लीव तभी होगा जब ज्यादा मॉइस्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमिड एटमॉस्फियर भी होता है, टेम्परेचर भी अच्छा होता है, इस वजह से टोबैको, खासकर जो वर्जीनिया टोबैको है वो यहाँ का बहुत फेमस है, वो यहाँ पर होता है। ठीक है, नो लेस देन हाफ द टोबैको दैट एंटर्स इनटू द इंटरनेशनल मार्केट कम फ्रॉम दीज स्टेट्स। समझ लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा टोबैको एक्सपोर्टिंग क्लाइमेट है गल्फ टाइप क्लाइमेट ऑफ यूएसए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर क्रॉप देखें तो लगभग उसी तरीके की क्रॉप है, नटाल प्रोविंस में भी शुगर केन है, कॉटन है, टोबैको है, राइस वगैरह का कल्टीवेशन है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पर 120 सेंटीमीटर होती है, साथ में ग्रासलैंड्स हैं तो यहाँ पर केटल रियरिंग का भी काम होता है, जो नटाल टाइप क्लाइमेट है। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया एक्सपीरियंस सिमिलर चेन ऑफ इवेंट ड्यू टू जर्मन केमिकल। हाँ बिल्कुल, जब जर्मन केमिकल डाइज जो है आ गई, खासकर वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जो है, जब जर्मन केमिकल डाइज आ गई, जैसे वो लोग एक कलर यूज करते थे जिसको बोलते थे वोड कलर यूज करते थे, जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता था, और इंडियन जो नील था, इंडियन इंडिगो जो था, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, तो वोड जो है वो खत्म हो गया, इंडियन इंडिगो ने इसको रिप्लेस कर दिया। फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मन केमिकल डाइंग सिस्टम प्रोसेस डेवलप हुआ, उसका इफेक्ट ये हुआ कि इंडिया से इंडिगो का इंपोर्ट बहुत कम हो गया, और इंडिगो प्लांटर्स ने यहाँ पर रिवोल्ट किया, इंडिगो रेवोल्यूशन। ठीक है, इससे बहुत दूसरी चीज़ें भी हिस्ट्री में रिलेटेड हैं, इससे दूसरी चीज़ें भी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिलेटेड होंगी, तो ऐसे हिस्ट्री को आपको रिलेट करके पढ़ना है, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री को तो बहुत रिलेट करके। मॉडर्न हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ें इंडिया की, ज़रूर वर्ल्ड हिस्ट्री को उसके साथ में पढ़ते चलिए, या वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार पढ़ लीजिए तब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए। ठीक है, हमेशा सही सीक्वेंस में जीएस के सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही कहा हिमांशु, इंडिगो सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, पर ऐसा नहीं कि इंडिगो का कल्टिवेशन सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है, लंबे समय तक अगर वही फसल हम किसी भी खेत में उगाएंगे तो वो इनफर्टाइल कर देता है लैंड को। चलो, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉटन, टोबैको, शुगर केन वगैरह लगभग वैसे ही पैदा होता है, ब्राज़ील वगैरह में शुगर केन जो है वो काफ़ी अच्छा उगाया जाता है, परागुए वगैरह में टी कल्टीवेशन इन स्लोपी एरियाज में किया जाता है। तो अगर हम देखें तो लगभग जैसे नदन हेमिस्फीयर का टी नदन हेमिस्फीयर का क्रॉप कल्टीवेशन है, वैसे सदर्न हेमिस्फीयर में इसी क्लाइमेट का क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो बिल्कुल उसी तरीके का है। तो इस प्रकार से देखें यहाँ की इंडस्ट्रीज, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज मेजरली तीन पार्ट में डिवाइड होंगी। ठीक है, एक होगा यहाँ पर मीट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो क्या होगा मेनली एग्रीकल्चर में, राइस शुगर केन। ठीक है, तो शुगर केन है तो यहाँ पर शुगर बनाने की इंडस्ट्रीज भी काफ़ी डेवलप होगी, मीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होगी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी अच्छे होंगे, केटल रियरिंग होगा तो डेयरी भी होगा, एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे टोबैको इंडस्ट्री। ठीक है, टोबैको इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप होगा। सो दीज आर द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्लाइमेट हम लेते हैं विच इज ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, जिसको हम कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो 0 से 10 डिग्री के बीच मैंने आपको इक्विटोरियल क्लाइमेट बताया। ठीक है, उसके बाद 10 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पर तीन डिफरेंट क्लाइमेट बताए। कौन कौन से तीन डिफरेंट क्लाइमेट मैंने बताया? यहाँ पर डेजर्टिक क्लाइमेट, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट, फिर मॉनसून टाइप क्लाइमेट। फिर 30 से लगभग 45 डिग्री तक तीन डिफरेंट क्लाइमेट। कौन कौन से क्लाइमेट? यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है, यहाँ पर स्टेपी क्लाइमेट या टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट, और इधर चाइना टाइप क्लाइमेट। अब इसके ऊपर जाएंगे 45 से 60 डिग्री की तरफ, और यहाँ पर वेस्टर्न साइड में जो क्लाइमेट मिलेगा कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में, इसी को हम बोलेंगे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। फिर सेंट्रल रीजन में साइबेरियन क्लाइमेट, ठीक है, साइबेरियन क्लाइमेट।
और ईस्टर्न मार्जिन की तरफ मिलेगा लॉरेशियन क्लाइमेट, ठीक है, लॉरेशियन क्लाइमेट। तो अब ये तीन क्लाइमेट 45 से 60 के बीच में लगभग ये तीन क्लाइमेट हम देखेंगे। फर्स्ट क्लाइमेट है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट यहाँ, ठीक है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, या इस क्लाइमेट का जो पूरा नाम है इसको कहते हैं कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। कहाँ पर है? कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन। कूल टेम्परेट मतलब 45 डिग्री के ऊपर का टेम्परेट रीजन है, तो ये ठंडा टेम्परेट रीजन है, ठीक है, तो इसको कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट बोलते हैं। सेशन को लाइक शेयर करिए प्लीज, आप लोग बहुत कम लोग जुड़ रहे हैं भाई। ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस क्लाइमेट, तो ये मेनली वेस्टर्ली विंड का और पोलर विंड का अफेक्टेड रीजन होगा। पोलर विंड कैसे आएंगी? पोलर विंड आएंगी इस तरीके से ईस्टर्न साइड से यहां पर, ठीक है, और वेस्टर्ली विंड ऐसे जाएंगी। तो एक तरीके से ये जो रीजन है ये टेम्परेट साइक्लोन का हाईली अफेक्टेड एरिया होता है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, और इस क्लाइमेट की खास बातों को हम जानेंगे। तो ये जो क्लाइमेट है इस इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है, नॉर्थ में है, वेस्ट साइड में है, मैरीटाइम है मतलब समुद्र के किनारे का है, तो नॉर्थ वेस्ट मैरीटाइम क्लाइमेट इसको बोलते हैं। ये क्लाइमेट मेजरली कहाँ पर पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम, पूरी कंट्री में यही क्लाइमेट है। वही उसके साथ साथ ये जर्मनी, फ्रांस वगैरह में भी मिलता है। तो ये जो रीज़न है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूएसए, कनाडा में ये, और यूएसए के अपर रीजन में ये पाया जाता है। इधर अर्जेंटीना और चिली में, लोअर रीजन में ये मिलेगा, ठीक है। मेनली ये यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है, इस वजह से इसको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं। ये क्लाइमेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड ऑल द ईयर, पूरे साल भर ये वेस्टर्ली विंड से प्रभावित होता है। विंटर्स के समय में पोलर विंड भी यहाँ पर पहुँच जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्लाइमेट बहुत ठंडा हो जाता है, फ्रीजिंग कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी यहाँ पर बहुत कॉमन बात है। फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी मतलब टेम्परेट साइक्लोनिक एक्टिविटी, जो मुख्यतः पोलर विंड एंड वेस्टर्ली विंड के आपस में कन्वर्जन के कारण होती है। टेम्परेट साइक्लोन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जिन लोगों को अभी कोई कन्फ्यूजन है टेम्परेट साइक्लोन का लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो क्लाइमेट है ये ग्रेटर ओसेनिक इन्फ्लुएंस रखता है। अब ग्रेटर ओसेनिक इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ इसको एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये जो क्लाइमेट है वो यहां से वार्म करंट यहां पर जाती है, ठीक है, वार्म करंट यहां ब्रिटिश रीजन में पहुंचती है। अब अगर देखें तो इसके पैरेलल, इसके इसी लैटिट्यूड पर यह साइबेरियन रीजन बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन रखता है। यहां पर कोल्ड गोबी डेजर्ट बना हुआ है, पर ब्रिटेन जो है वो फ्रोजन कंडीशन नहीं प्रेजेंट करता है और एक हैबिटेबल क्लाइमेट बनाता है। ये दुनिया का सबसे सुंदर क्लाइमेट है। आप अगर देखो तो ब्रिटिश लोग भारत में आए, 200 साल रहे, पर जब भारत आजाद हुआ, फ्रीडम मिला, सो ऑल द ब्रिटिशर्स एंड ऑल देयर फैमिलीज वेंट बैक टू ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन वो वापस चले गए, वो यहां नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? बिल्कुल नहीं रुके। 200 साल अगर कोई रहे तो उसकी फैमिलीज जो है वो भारत में सेटल हो जानी चाहिए थी। आपको अपने आसपास या दूर दूर तक कहीं पर कोई भी ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश फैमिली यहाँ पर रहती हुई दिखाई पड़ती? नहीं, सब लोग चले गए यहाँ से। उसका एक बहुत रीजन था, एक बहुत बड़ा रीजन था, दे कम फ्रॉम वेरी सूटेबल क्लाइमेट, ठीक है, ह्यूमन के लिए सबसे सुंदर, सबसे सूटेबल क्लाइमेट है ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ठीक है, और वहां पर वापस चले गए। जबकि साउथ अफ्रीका के कुछ रीजन में जहां पर ये क्लाइमेट था, जैसे केप टाउन वाला रीजन वगैरह है, वहां पर अंग्रेज अभी भी रुके हुए हैं। आप देखिए साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम में सारे ज्यादातर वाइट लोग हैं वहां पर, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में ये बने रहे क्योंकि वहां पर कुछ कुछ जगहों पर वैसा क्लाइमेट है कोस्टल रीजन में। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत अफेक्ट डालता है कि आप कहां रहेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, तो ग्रेटर ओसेनिक इन्फ्लुएंस होता है, मतलब यहाँ इस रीजन में, चाहे यहाँ पर देखें, यहाँ पर वार्म करंट जरूर पहुँचती है,
ब्रिटेन में खासकर यहाँ पर वार्म करंट पहुँचती है जिसको हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। ये गल्फ स्ट्रीम, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जनरेट होती है, ऊपर जाती है तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से मिक्स हो जाती है और वार्म वाटर यहाँ पर पहुँचता है और इस पूरे ब्रिटिश एरिया में वार्म वाटर का सर्कुलेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में फ्रोजन कंडीशन नहीं होती है और लोग आसानी से रह पाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के आसपास मुख्यतः मिलता है। जगहों के नाम अगर देख लें तो इसमें पूरा ब्रिटेन आएगा, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड, डेनमार्क, वेस्टर्न नॉर्वे, ठीक है, आइबेरियन रीजन, ये इसमें आता है। नॉर्थ अमेरिका में ये थोड़ा सा ब्रिटिश कोलंबिया रीजन में पड़ता है, वेस्ट में, ठीक है, कॉन्टिनेंट के वेस्ट में ये ब्रिटिश कोलंबिया रीजन है, ये नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा तक फैला हुआ है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये देखें तो अभी मैंने आपको बताया चिले में पाया जाता है, चिले, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में चिले, चिले कंट्री है ना, इसको हिंदी में लोग चिली पढ़ते हैं, एक्चुअली ये चिली नहीं होता है कंट्री, चिले होता है इसको। फिर सदर्न ऑस्ट्रेलिया में, जस्ट अ मिनट, वीडियो पॉज हो गई है क्या? बताइएगा आप लोग, वीडियो पॉज हो गई है, सिग्नल स्ट्रेंथ इज गुड, फिर वीडियो क्यों पॉज हो गई है? अभी क्लियर आ रहा है, आवाज आ गई, थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गई थी। चलो, तो सदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लाइमेट कहां पर है? चिले में है, साउथ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानियन रीजन में है। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो साउथ ऑस्ट्रेलिया के तस्मानियन रीजन में, यहां पर ये जो क्लाइमेट है ये कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में एक एक्सेप्शन के तौर पर पाया जा रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पर पाया जा रहा है, बस इतना सा यहां पर हुआ है। ठीक है, चलो, तो एरिया क्लियर हो गया, ये कहां पर है? न्यूजीलैंड में भी ये क्लाइमेट है, न्यूजीलैंड में भी ये क्लाइमेट है। वेरी फेवरेबल फॉर ह्यूमन आउटपुट, ह्यूमन आउटपुट मतलब हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ जाती है इस रीजन में, है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, तो यहाँ पर हम अच्छे से काम करते हैं, है ना, तो प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत बढ़ जाती है। टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप देख लीजिए, दिस इज नाइदर वेरी लो टेम्परेचर, जैसे साइबेरिया में -30 -40 हो जाता है, नॉर वेरी वार्म टेम्परेचर, 15 डिग्री का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे अर्थ का, और हमारे लिए बहुत सूटेबल टेम्परेचर होता है। ठीक है, विंटर में अगर देखें, समर्स आर मॉडरेटली वार्म, मतलब गर्म नहीं होते हैं, बहुत मॉडरेट टाइप के होते हैं। विंटर्स आर एबनॉर्मली माइल्ड, मतलब विंटर्स भी बहुत हार्श नहीं होते, माइल्ड विंटर्स होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वार्म करंट आती है, वार्म करंट्स यहाँ पर पहुँचती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हो पाते हैं। और इसका फायदा ये भी होता है, इस रीजन में वार्म करंट आने का कारण के कारण फायदा ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है, फिश कैचिंग का काम उससे बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठंडा रीजन है, थोड़ा सा वार्म वाटर पहुँच जाता है, फिश बहुत अच्छे से, ठीक है। समटाइम्स दीज रीजन्स गेट देयर कोल्डर इफेक्ट फ्रॉम कोल्ड पोलर कॉन्टिनेंटल एयर, ठीक है, पोल की कॉन्टिनेंटल एयर का इफेक्ट होता है, तो कभी कभी यहाँ पर बहुत ठंडी कंडीशन जनरेट हो जाती है, पर यहाँ पर फ्रोजन कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, पोर्ट्स आर नेवर फ्रोजन, और इसी वजह से ब्रिटेन जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी रहे। ठीक है, अब आप ज़रा सोचिए कि एकदम फ्रोजन जोन में ब्रिटेन है पर उसके पोर्ट्स कभी फ्रोजन नहीं होते हैं, तो उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू आउट द ईयर चलता रहा, बढ़िया, बड़े बिजनेसमैन के तौर पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज खड़ी हुई, लोग सामने आए, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो हिस्ट्री में ब्रिटेन को ट्रेडिंग में ज़्यादा एज प्रोवाइड करता है कि उसके सारे कोस्ट, सारे पोर्ट्स हमेशा साल भर ऑपरेबल कंडीशन में रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। प्रेसिपिटेशन की बात करें, वर्षा की बात करें, तो रेनफॉल जो है यहाँ थ्रू आउट द ईयर होगा, साल भर यहाँ पर वर्षा होगी क्योंकि वार्म करंट है, और वार्म करंट से क्या होगा, सी ब्रीज के साथ में वार्म करंट है, वार्म करंट यहाँ पर है, वार्म करंट से सी ब्रीज के साथ में मॉइस्चर आएगा, क्लाउड जनरेट होगा और कभी भी रेनफॉल हो जाएगी। जैसे आप देखिए, जब ब्रिटेन में वर्ल्ड कप हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर ब्रिटेन में वर्ल्ड कप हुआ, तो लोगों ने
अब भारत में वो मॉनसून का पीरियड था और कुछ मैचेस जो है वो वर्षा की वजह से रुक गए थे, रेनफॉल की वजह से। तो पीपल सेड कि हम लोग जो है मॉनसून के टाइम में शादी ब्याह ये सब कुछ नहीं करते हैं, ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि इन लोगों ने जो है मॉनसून के टाइम में वर्ल्ड कप करा दिया ब्रिटेन में। ठीक है, तो एक्चुअली आईसीसी बेवकूफ़ नहीं थी, हमें समझ नहीं थी क्लाइमेट की। हमको लगता है भारत में जैसा हो रहा है वैसा सब जगह पर हो रहा है, तो भारत में वो मॉनसून का पीरियड है पर ब्रिटेन में कोई मॉनसून का पीरियड नहीं है। वहाँ पर तो रेनफॉल कभी भी हो जाती है, समुद्र की तरफ से ह्यूमिडिटी आई और रेनफॉल हो जाती है। ठीक है, तो विंटर जो है यहाँ पर विंटर के समय में ज़्यादा रेनफॉल होती है ड्यू टू फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन के बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा इस क्लाइमेट के बारे में चीज़ें और बाकी रह गई हैं सीज़न वगैरह। अब चूंकि अप्पू सर के साइंस की क्लास का टाइम हो गया है तो आप लोग साइंस की क्लास कीजिए करिए, कल थोड़ा सा हम इस क्लाइमेट को डील करेंगे। और याद रखिएगा ये क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट है क्योंकि इस क्लाइमेट का रिलेशन भारत की हिस्ट्री के साथ में है। ठीक है, भारत की हिस्ट्री के साथ में है इस क्लाइमेट का रिलेशन, तो हम थोड़ा सा इस क्लाइमेट को क्या करेंगे कल, और डिटेलिंग चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा, इस वजह से क्लास में अभी यहीं पर एंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है कल जरूर जुड़िएगा, इसका थोड़ा सा जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और आगे के और दो क्लाइमेट फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप जुड़ने के लिए। प्लीज़ सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स को यहाँ पर जोड़िए। ठीक है, क्लियर है, थम्स अप दे करके बताइए कि थिंग्स आर क्लियर फॉर, और हम कल स्टार्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे और कुछ क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट ख़त्म करने के बाद में फिर हम ओशनोग्राफी स्टार्ट करेंगे, एल नीनो ला नीना ओशन करेंट्स और ये सब स्टडी करेंगे। ठीक है, ओशनोग्राफी में ओशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सभी लोग, हाँ जी मुस्तफ़ा, आप भी एकदम सेफ एंड सुरक्षित रहिए। ठीक है, सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।